खुशवंत सिंह जी मौजूद हैं, कौन से वो मुद्दे रहे जो आपने आरंग में उठाए थे और पूरे प्रदेश में कौन से फैक्टर ने काम किया? हम बात करें आरंग विधानसभा में तो अनगिनत मुद्दे रहे, और पूरे प्रदेश में बात करें तो किस प्रकार से आपको मालूम है जो यहाँ के सूबे के मुखिया थे, जो मुख्यमंत्री जिनका नाम ऐसे सट्टा चीज़ों में नाम आया था, जिन्होंने मतलब लोगों के युवाओं के भविष्य को बिगाड़ने का काम किया था, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसके अलावा भ्रष्टाचार जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और किस विकास की बात करें तो प्रदेश में हम देखते हैं पिछले 15 साल में इतने विकास हुए, रोड नाली सारे चीज़ बने, लेकिन इस 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। और हमारे मोदी जी का जो कार्य है, सब जानते हैं कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, तो उनका जो संकल्प पत्र था एक, वो भी एक बहुत बड़ा काम किया, और उसका ही ये परिणाम है कि आज पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है और तीव्र गति से फिर से विकास होगा छत्तीसगढ़ का। आरंग विधानसभा क्षेत्र में कौन से वो प्राथमिकताएं रहेंगी, कौन से वो काम रहेंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? आरंग विधानसभा में सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, इसके साथ ही जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, साथ ही स्कूल और हॉस्पिटल्स जो कुछ हैं तो वो जर्जर हो चुके हैं, तो उसको बनाया जाएगा, सुधारा जाएगा, साथ ही नए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। साथ ही जिस प्रकार से माहौल, गांव के माहौल को बिगाड़ने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था, और भय आतंक का जो राजनीति वहां किया जा रहा था, डराना धमकाना गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ों में रोक लगाएंगे, और एक समानता का, सबको बराबर का अधिकार और सबको समानता का सम्मान देने का प्रयास हम वहां से करेंगे। आखिरी सवाल, जीत का श्रेय किसे देते हैं? जीत का श्रेय हमारे आरंग विधानसभा की समस्त जनता को देते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं को देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष पदाधिकारी और साथ ही हमारे माता पिता को देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरंग विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक खुशवंत साहेब, जिनका कहना है कि आरंग विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना उनका प्रमुख जो है